नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीवी न्यूज में। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को अगले 2 दिन के लिए सीबीआई कस्टडी पर भेज दिया। वहीं सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगी। वहीं आपको बता दें कि आज यानी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि आज यानी 4 मार्च को पूरी हो गई है। शुक्रवार को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने पूर्ण सहयोग किया, जब भी उन्हें बुलाया गया वे आए हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो सीबीआई कर चुकी है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज के साथ।